हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बता रहे हैं स्कैपुला ग्लाइड्स कैसे देते हैं, स्कैपुला का मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको फ्रोजन शोल्डर हुआ है या शोल्डर पेन हो रहा है, शोल्डर की सर्जरी करवाई है, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद काफ़ी टाइम तक इमोबिलाइजेशन फेज में रहता है पेशेंट और उसके बाद ये मांसपेशियाँ काम नहीं करती हैं, डिसयूज एट्रोफी में हो जाती हैं। डिसयूज एट्रोफी के कारण पेशेंट का हाथ और सारी मसल्स अच्छे से काम नहीं करती हैं, हाथ ऊपर तक पूरा नहीं लेके जाते हैं या साइड से ऊपर नहीं जा पाता है या पीछे नहीं रुक पाता है। तो उसके लिए सारी मसल्स का एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है और जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग शोल्डर का जो एक स्कैपुला पार्ट है, स्कैपुला एक बोन है जो पूरे शोल्डर गर्डल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसका मूवमेंट की वजह से भी हमारा हाथ रिस्ट्रिक्ट होता है। अगर ये स्कैपुला मूवमेंट हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या स्कैपुलर डिस्काइनेसिस है तो हमारा शोल्डर और हमारा हाथ पूरी तरीके से ऊपर और सीधा नहीं हो पाएगा। तो इसका मोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें चार प्रकार के मोबिलाइजेशन ग्लाइड्स होते हैं। एक होता है सुपीरियर ग्लाइड, एक होता है इंफीरियर ग्लाइड, एक होता है मीडियल ग्लाइड और एक होता है लेटरल ग्लाइड। ये जो ग्लाइड्स के नाम हैं ये प्लेन के हिसाब से होते हैं और हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के हिसाब से होते हैं। जो हमारे बॉडी के चार प्रकार के डायरेक्शंस हैं, जैसे हमारे ऊपर के साइड को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर, नीचे की तरफ को बोलेंगे हम लोग इंफीरियर, बीच की तरफ अगर बॉडी के मिड लाइन के पास जा रहा है तो उसको बोलेंगे मीडियल, और मिड लाइन के बाहर जा रहा है हमारा, ये जैसे मिड लाइन है इस तरफ जा रहा है तो मीडियल, इस तरफ जा रहा है तो लेटरल, ऊपर जा रहा है तो सुपीरियर, नीचे जा रहा है तो इंफीरियर, इसके हिसाब से ग्लाइड्स डिसाइड होती हैं। तो अब हम स्कैपुला के मोबिलाइजेशन करने के लिए स्कैपुला को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक आप पहले जो हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल है उसको अच्छे से पकड़ लीजिए इस वाले हाथ से, और जो ऊपर आपका सुपीरियर बॉर्डर है उसको आप अच्छे से पकड़ लीजिए और अपने हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक करने के बाद अगर आपको सुपीरियर ग्लाइड देना है तो अपने इंफीरियर एंगल को ऊपर की तरफ करके और आप सुपीरियर ग्लाइड देंगे। ये हम अभी सुपीरियर ग्लाइड दे रहे हैं, और इंफीरियर ग्लाइड देने के लिए सुपीरियर बॉर्डर से प्रेशर देना है नीचे की तरफ और इसको इंफीरियर ग्लाइड देना है। इसको आप 25 टू 30 रेप्स करने हैं नीचे की तरफ और एक रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट्स प्रोवाइड करना है। ये हो गया इंफीरियर ग्लाइड। आपको अगर मीडियल ग्लाइड देना है तो मीडियल ग्लाइड को हम लेटरल बॉर्डर से स्कैपुला को पकड़ेंगे थंब के सहारे और पूरा स्कैपुला हमारे हाथ में इंटरलॉक है, उसके बाद हम मीडियल ग्लाइड देंगे और ऊपर से प्रेशर दे करके हम नीचे की तरफ पूरे स्कैपुला को पकड़ करके नीचे की तरफ देंगे। इस प्रकार से हम इसको मीडियल ग्लाइड देंगे। लेटरल ग्लाइड देने के लिए हम लेटरल साइड को पकड़ेंगे और लेटरल साइड को पकड़ करके हम इस प्रकार से, पेशेंट का हाथ कंफर्टेबल या तो यहाँ रखा रहना चाहिए या हमारे हाथ में पूरा सपोर्टेड रहना चाहिए। ये मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड है, हम मीडियल भी दे रहे हैं लेटरल भी दे रहे हैं। सिंगल अगर मीडियल देना है तो ये सिर्फ मीडियल की साइड ही प्रेशर देना है एट द एंड रेंज ऑफ मोशन ओवर प्रेशर। देन लेटरल ग्लाइड देना है तो हमें लेटरल साइड में ले जा करके एंड रेंज ऑफ मोशन में ले जाना है और लेटरल साइड ओवर प्रेशर देना है। ठीक, मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है, पेशेंट का रेंज को बढ़ाना है मूवमेंट को, तो आपको मोबिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप मोबिलाइजेशन नहीं करते हैं जॉइंट का तो जकड़न खुलेगी नहीं जल्दी और मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारा जॉइंट स्टिफनेस रहेगी ही रहेगी। तो स्टिफनेस दूर करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, दर्द को भी कम करने के लिए मोबिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोबिलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं और रिजल्ट्स हैं। इंडिकेशन हम बता देते हैं कैसे करना है। अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर से और बोन हील हो चुका है उसमें हम लोग मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। स्टिफनेस है उसमें मोबिलाइजेशन दे सकते हैं।
और लैक्सिटी कम है या हाइपोमोबिलिटी है उसमें भी हम लोग इमोबिलाइजेशन दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं? अक्यूट फ्रैक्चर है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, कहीं वूंड है, ओपन वूंड है, कट लग गया है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या अभी अभी रिसेंट सर्जरी की वजह से सूचर्स भरे नहीं हैं, उसमें भी हमें ये नहीं करना है। कोई ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो रहा है तो उसमें भी हमें मोबिलाइजेशन नहीं देना होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।